नमस्कार, स्वागत है आपका। और आइए चलते हैं देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह अभी है जिंदा, मौत की खबर निकली झूठी। पोते संदीप सिंह ने कहा बाबूजी अभी स्वस्थ हैं। कल्याण सिंह के स्वास्थ्य पर प्रधानमंत्री मोदी को भी है चिंता, पोते को फोन करके लिया हालचाल। ऑक्सीजन पर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग, मोदी ने कहा देश में 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जल्द से जल्द शुरू किए जाएं। बांग्लादेश में 6 मंजिल फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लगी आग, 52 की मौत, जान बचाने के लिए लोग इमारत से कूदे। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर तंज, कहा पीएम को बस मित्रों की है जवाबदारी। नए मंत्रियों के साथ पहली मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता, कहा एक गलती से कोरोना के खिलाफ कमजोर होगी लड़ाई। अयोध्या की सरायू नदी में एक ही परिवार के 15 लोगों के साथ हादसा, 3 तैर कर निकले, 6 को गोताखोरों ने बचाया, 6 की तलाश है जारी। भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइल की सप्लाई करेगी भारत डायनोमिक्स लिमिटेड, 499 करोड़ रुपए का हुआ करार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 43,393 नए केस, 911 लोगों ने गवाई जान। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने सरकारी बंगले में करवाई 2 बेटियों की शादी, विदाई की टाइम आए आंखों में आंसू, कहा आगे भी निभाऊंगी जिम्मेदारियां। आरएसएस की महाबैठक आज से चित्रकूट में, जुटे देश भर के प्रांत प्रचारक, भागवत समेत 5 सरकारवा भी होंगे शामिल। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त, बोले यह सिर्फ उत्तराखंड का मुद्दा नहीं, पड़ोसी राज्यों से भी करनी होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों को देखकर जताई चिंता, कहा लापरवाही से देश को पहुंचेगा नुकसान। ओबीसी पर मोहसिन रजा का वार, कहा आपकी रणनीति यूपी में नहीं आएगी काम, पहले तेलंगाना को संभाले। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बल की होगी समीक्षा, बीएसएफ के डीजी करेंगे उत्तर बंगाल का दौरा। सिंधिया ने संभाला विमानन मंत्रालय का चार्ज, कमलनाथ ने कहा देखते हैं गाड़ी आगे कैसे चलती है। किसानों को लुभाने के लिए अकाली दल ने की घोषणा, सरकार बनने पर किसान आंदोलन में मरे गए लोगों के परिजनों को देंगे सरकारी नौकरी। नए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का फैसला, अब 2 शिफ्टों में काम करेंगे ऑफिस स्टाफ। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बयान, कहा कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ेंगे 2023 का चुनाव, 150 से 170 सीट के बीच जीतेगी कांग्रेस। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा मुझे मेरी नीतियों के साथ काम करने दिया जाए तभी भारत में काम करूंगा, वरना अपनी दुकान बंद कर लूंगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कप्पा वेरिएंट से जून में पहली मौत, ट्रेवल हिस्ट्री चेक की जा रही है। मंत्री बनने के बाद बोले पारस राम विलास पासवान का राजनीतिक वारिस मैं हूं, चिराग केवल बेटा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार कदम उठाए, देश में समान नागरिक संहिता की है जरूरत। अनुपम खेर की फिल्म की लाइन प्रोड्यूसर ने की आत्महत्या, अनुपम खेर ने लास्ट मैसेज सोशल मीडिया पर किया शेयर। 2 हफ्ते से निष्क्रिय मानसून फिर एक्टिव हुआ, महाराष्ट्र में तेज, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में हल्की बारिश।